हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने वन प्लस 70 डिवाइस में पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को डालते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को डालने के लिए आपको अपने वन प्लस डिवाइस में ऑलरेडी बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो मेक श्योर दैट आपके डिवाइस में बूट लोडर अनलॉक हो गया रहेगा। उसके बाद सिंपली हमको जाना है अपने डिवाइस में किसी भी टाइप का स्क्रीन लॉक या फिर फेस लॉक अगर दिया गया है तो उसको सिंपली रिमूव कर दीजिएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये सब कुछ रिमूव करने के बाद फाइनल स्टेप में जाना है हमको अपने कोई भी टाइप का अकाउंट्स, अगर गूगल अकाउंट्स या फिर कुछ भी अकाउंट्स अगर लिंक है अपने डिवाइस में, सब कुछ रिमूव कर दीजिए ताकि फ्लैशिंग के टाइम कुछ भी एरर ना आए। तो स्क्रीन लॉक और गूगल अकाउंट्स रिमूव करने के बाद सिंपली हमको अपने डिवाइस को फास्ट बूट मोड में बूट कर देना है। तो उसको बूट करने के लिए सिंपली अपने डिवाइस को पावर ऑफ कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, और पावर ऑफ करने के बाद अपने डिवाइस का जो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है, दोनों बटन को एक साथ और पावर बटन, तीनों बटन को एक साथ प्रेस करते हैं, अपने डिवाइस जो है फास्ट बूट मोड में बूट हो जाएगा। तो फास्ट बूट मोड में बूट होने के बाद सिंपली अपने डिवाइस को पीसी में कनेक्ट कर लीजिएगा और बाकी आगे का स्टेप आप पीसी में आप देख सकते हैं। तो कैसे हम फाइनली पीसी में आ गए हैं, तो सिंपली इस रोम को फ्लैश करने के लिए कुछ फाइल्स का ज़रूरत पड़ सकता है, तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली मैं सबसे पहले ADP को सेटअप कर लेता हूँ ताकि मेरा डिवाइस जो है फास्ट बूट में शो कर लेगा। उसके बाद मिनिमल ADP एंड फास्ट बूट सेटअप भी कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारा पीसी में तो सर्च बार में CMD टाइप करने से डिवाइस फास्ट बूट में शो नहीं करता, बट ये 100% श्योर मेथड है। तो सिंपली मैं अभी फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो डिवाइस है PC में अगर सक्सेसफुली फास्ट बूट में शो कर रहा है। आप ये देख सकते हैं सब कुछ साइड में नंबर सा लिख के आएगा, अगर आपका PC में आ रहा है तो आपका भी डिवाइस सक्सेसफुली फास्ट बूट में शो कर रहा है PC में। तो फाइनली ये सब कुछ होने के बाद सिंपली हमको और एक कमांड डालना पड़ेगा, फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट। तो ये सब कुछ डालते ही आपका जो ऊपर देख सकते हैं पिक्सल एक्सपीरियंस का जो बूट फाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही सिंपली आपको एंटर में हिट करना है। तो आप इधर देख सकते हैं साइड में कुछ लोड हो रहा है, तो सिंपली ये पिक्सल का रिकवरी को इंस्टॉल करता है आपके डिवाइस में। तो मैं आगे का स्टेप अभी दिखा देता हूँ। आप इधर देख सकते हैं जो बूट फाइल इधर हम डाल दिए हैं, तो सिंपली अपने डिवाइस को अभी डिसकनेक्ट कर लीजिएगा और अपने डिवाइस का जो पावर बटन है उसको लॉन्ग प्रेस कीजिएगा। तो लॉन्ग प्रेस करते हैं, आप जो देख सकते हैं इधर अपना जो डिवाइस है पिक्सल एक्सपीरियंस का जो बूट है रिकवरी है उधर बूट हो गया है। तो सिंपली हमको जाना है अपने डिवाइस को फिर से PC में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हम अभी अपने डिवाइस को वॉल्यूम पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम डाउन कर देना है, अप्लाई अपडेट में जाके फिर से पावर बटन को प्रेस करना है, उसके बाद अप्लाई फ्रॉम ADB में जाके उसको भी पावर बटन करके सिलेक्ट कर देना है और बाकी आगे का स्टेप जो है PC में होने वाला है। तो गाइस आप इधर देख सकते हैं ADB एंड फास्ट बूट फिर से ओपन करना है और हमको टाइप करना है ADB स्पेस साइड लोड। तो उतना टाइप करते हैं, फिर स्पेस देख के हमको जो कॉपी पार्टीशन का जो जिप है उसको इधर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, उसको करते हैं फिर एंटर हिट कर लेंगे। तो एंटर हिट करते हैं आप देख सकते हैं कुछ कोड्स अपने डिवाइस में रनिंग हो रहा है, तो सक्सेसफुली इसको फ्लैश कर देना है। आप इधर देख सकते हैं ये इधर फ्लैश हो गया है। फिर हमको जाना है अप्लाई फ्रॉम ADB में, इधर क्लिक करते हैं, फिर से हमको टाइप करना पड़ेगा ADB स्पेस साइड लो। तो ये सब टाइप करते हैं, फिर से हमको अपना जो रोम फाइल है ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंटर हिट कर देना है। तो इसको एंटर हिट करते हैं, ये लगभग 5 to 6 मिनट्स लेता है इस रोम को फ्लैश करने के लिए। तो आप इधर देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम अपने डिवाइस में पिक्सल रोम को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे। और आगे का स्टेप आप इधर देख सकते हैं, हमको जाना है फिर से अप्लाई फ्रॉम ADB में, हमको जाना है बैक में, आप इधर देख सकते हैं, फिर हमको जाना है फैक्ट्री रीसेट में, आप इधर देख सकते हैं नीचे, उसके बाद फॉर्मेट डाटा एंड फैक्ट्री फॉर्मेट डाटा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने डाटा को फॉर्मेट करना पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट आप अपने डाटा को कहीं दूसरे सेफ प्लेस में कॉपी कर लीजिएगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है। तो ये सब कुछ फॉर्मेट डाटा होते हैं, सिंपली हमको जाना है रिबूट सिस्टम में और अपने डिवाइस को रिबूट कर देना है। और कुछ इस तरह से हम सक्सेसफुली अपने वन प्लस 70 डिवाइस में पिक्सल रोम को इंस्टॉल कर दिए हैं।
सो गाइस, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। और ये रोम को मैं 2 to 3 days यूज़ करूँगा और उसका मैं क्विक लिटिल रिव्यू भी लेके आऊँगा। सो मेक श्योर दैट यू जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो ओके गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड या गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल मीट इन द नेक्स्ट।